हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं जुपिटर जुपिटर क्लासिक की। सामने की बात करें तो आपको एक क्लासिक सा लुक दिया गया है और क्लासिक से एक विंडशील्ड दी गई। मुझे तो विंडशील्ड बहुत अच्छी लगी है, तो आप देख सकते हैं आपके ऊपर है कि आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर साइड की बात करें तो साइड में एक नॉर्मल सा लुक दिया गया है, प्लेन, और जो ही आपको नॉर्मल जुपिटर में मिलता है वैसा ही लुक है, बट थोड़ा सा उसमें चेंज है, तो थोड़ी सी क्लासिक लुक दी गई है। वहाँ पर आपको नीचे बस एक ही कट मिलेगा। और इनके टायर्स की बात करें तो आपको एक्टिवा 4G से इसके बड़े टायर्स दिए जो कि आपको बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक अच्छे से वेल बिल्ड एलॉयज मिलेंगे। तो आप इसका एक हैंडल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे बटन्स प्लेसमेंट मिलेंगे, आपको स्पीडोमीटर में या स्पीडोमीटर्स में भी वैराइटीज में आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन प्लेसमेंट, आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में बाईपास लाइट मिलेगी, इंडिकेटर लाइट मिलेगी और हॉर्न की बटन मिलेगी, और राइट हैंड साइड में आपको ऑन का बटन मिलेगा रेस्ट की। तो ब्रेक्स की बात करें तो आपको सामने की तरफ डिस्क ब्रेक दिया गया है और पीछे की तरफ एक नॉर्मल ब्रेक दिया गया है। तो इसमें भी एक जुपिटर का खुद का ब्रेक सिस्टम है, एक्स ब्रेक सिस्टम करके। तो उसमें कैसा है कि आप इमरजेंसी में एक ब्रेक दबाओगे तो दोनों ब्रेक साथ में दबा हो जाएंगे, जिससे आपकी गिरने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी और बैलेंसिंग परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं गाड़ी के सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, इंजन। और ये 4-स्ट्रोक इंजन मिलेगा आपको, एयर कूल मिलेगा, और आपको इसकी एवरेज मिलेगी 45 to 55 किलोमीटर। तो मुझे इसकी एवरेज ने थोड़ा सा दुखी कर दिया है, क्योंकि एक्टिवा 4G में एवरेज कुछ अच्छा है, बट इसमें बात करें तो इंजन इसका बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं खुद चला के दिखे, पिकअप अच्छा है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको एयर कूल दिया गया है, तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं होगी, क्योंकि एयर कूल है तो आपकी हवा जैसी होगी वैसे ठंडा हो जाएगा। तो बात करते हैं कंफर्ट। तो आज तक जितनी भी स्कूटीज देखी है मैंने, उसमें सबसे कंफर्टेबल सीट बस इसकी है, और पीछे बैठने वाले आदमी को भी पीछे टेक के बैठने के लिए एक अच्छी प्लेस दी गई है। तो इसके की एरिया की बात करें तो आपको एक चॉक मिलेगा, एक हुक मिलेगा और एक की मिलेगा। एक हुक नहीं, डबल हुक मिलेगा, जिससे आपको कैरिंग करने में इजी होगी। तो इसके सेकंड फीचर की बात करते हैं, ऑयल टैंक। तो अब बस आराम से पेट्रोल पंप पे गाड़ी पे बैठो, पेट्रोल पंप वाले को बोलो मेरा पेट्रोल पीछे है तो वहाँ पे डालो। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप में आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपकी चाबी घुमा दो, आपका टैंक अपने आप खुल जाएगा। तो इसकी स्पेस की बात करें तो आपको एक ठीक ठाक सी स्पेस मिल जाती है, जिसमें बस हेलमेट बैठेगा और कुछ पेपर्स या कुछ कपड़ा रहेगा तो बस हो। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, इसके साथ आपको बस एक फर्स्ट एड मिलेगी और इसके साथ दो टूल्स मिलेंगे जो कि कुछ काम के नहीं होंगे, बस इतने ब्रेक टाइट हो जाएंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कोने में देख सकते हो आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ दी है, मोबाइल चार्जर। तो आज के ज़माने में तो इसके बिना कोई रह नहीं सकता, तो ये मोबाइल चार्जर के साथ आती है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय हिंद, थैंक यू।